नमस्कार। आज अपना टेस्ट जो एनालिसिस के लिए है वो है अपना SQS SC19 AWGL। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का, इसमें क्या कह रहा है, लेट मी डू दिस। जब अपना सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हमें देखना पड़ता है कि ये किस चीज़ के लिए है, क्या परमिशन के लिए है, फिर सजेशन के लिए है। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि लेट मी डू दिस, तो ये एक परमिशन के लिए है, परमिशन के लिए है ये अपना। और परमिशन के लिए आए तो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं जैसे कि आई मे बी अलाउड टू प्ले, या फिर आई मे बी अलाउड टू डू दिस। तो हम देख सकते हैं कि आई मे बी अलाउड ऐसा कहीं भी अपना स्ट्रक्चर नहीं है किसी भी ऑप्शन के अंदर, तो वो नहीं होगा तो हम सीधा यूज कर सकते हैं लेट को ही। तो ऑप्शन ए एंड बी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर आई मे बी अलाउड नहीं है, ना ही इसके अंदर कहीं लेट है। तो ऑप्शन बचता है अपना ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। और ऑप्शन सी एंड डी में देखिए, जो ऑप्शन डी है वो स्ट्रक्चर के अनुसार बिल्कुल गलत है, लेट दिस डन बाय मी, ठीक है। तो इसके अंदर बी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो लेट दिस बी डन बाय मी, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सी, क्योंकि डी वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है ग्रामेटिकली, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा अपना। अगला देखते हैं, वैनगार्ड, और इसके अंदर हमें बताना है अपोजिट, यानी कि एंटोनियम बताना है। तो जो वैनगार्ड होता है उसका मतलब होता है कि एक कोई ग्रुप होता है जो सबसे आगे चलता हो, ग्रुप जो आगे चलता हो उसको कहते हैं वैनगार्ड। तो इसका क्या होगा, अपोजिट बताना है, यानी जो सबसे आगे ना चलता हो यानी उसके पीछे चलता हो, तो वो होगा अपना फॉलोवर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऑप्शन ए सी एंड डी, जो ऑप्शन ए सी एंड डी हैं ये इसके कहीं ना कहीं सिनोनियम होंगे, ठीक है, वैनगार्ड के कहीं ना कहीं ये सिनोनियम होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना एरर का, इसमें क्या कह रहा है, द इश्यूज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इश्यूज़ के अकॉर्डिंग अपना आर यूज़ किया गया, जो बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज़ डैट, और प्रॉब्लम के अनुसार इज़ यूज़ किया गया है, डैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, और आर यूज़ किया गया है अपना इश्यूज़ के लिए, टू बी ऑब्सक्योर्ड बाई दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है अपने सेंटेंस के अंदर, तो ये होगा नो एरर। अगला देखते हैं, ऑल्दो द पुलिस डिपार्टमेंट वॉज एक्यूज ऑफ, जो अपना फ्रेजल वर्ब होती है वो होता है एक्यूज ऑफ, ठीक है। एक्यूज के बाद अगर प्रेपोजिशन का यूज होगा तो वो ऑफ का यूज होगा, ए वराइटी ऑफ सुंदरी चार्जेज, बट देयर वॉज नॉट सफिशेंट एविडेंस टू ब्रिंग ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है। मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अक्यूज्ड है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है कि उसने बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं है ताकि उनके खिलाफ कोई केस हो सके। तो यहाँ पे देखिए ऑल्दो है, और हमें पता है ऑल्दो और येट का पेयर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो ऑल्दो का पेयर होता है येट के साथ, या फिर ऑल्दो का पेयर होता है अपना कोमा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा यूज़ किया गया है, उसके बाद में बट यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम बट को हटा देंगे क्योंकि कोमा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर या तो हम येट यूज़ करें या फिर हम कोमा यूज़ करें। तो यहाँ पे कोमा बिल्कुल सही यूज़ है और बट गलत है, तो यहाँ से हम बट को हटा देंगे, कोमा ही रहेगा अपना, तो एरर रहेगा अपना ऑप्शन बी के अंदर। यह है, वाइल द फिल्म क्लेम्स टू बी ए वेरिटेबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द पॉलिटिशियंस अर्ली ईयर्स, इट इज़ एक्चुअली ए फिक्शनलाइज्ड, फिक्शनलाइज्ड होता है जो काल्पनिक हो, टेल होता है कहानी, फिक्शनलाइज्ड टेल पेंड बाय ए टेबलॉइड राइडर। तो पेंड होता है किसी के द्वारा लिखा जाना, ठीक है, लिखा जाना उसको कहते हैं पेंड। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है, टू बी ए वेरिटेबल, वेरिटेबल अपना कोई भी वर्ड नहीं होता है इंग्लिश के अंदर, जो अपना वर्ड होता है वो होता है VERITABLE, वेरिटेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई रियल, कोई सच्चाई हो। तो एक रियल इंसाइक्लोपीडिया है पॉलिटिशियन के अर्ली ईयर्स का, जो फिल्म क्लेम करती है, तो यहाँ पे वेरिटेबल की जगह आएगा वेरिटेबल, ठीक है। तो इसके अंदर एरर होगा अपना ऑप्शन ए के अंदर। चलिए अगला देखते हैं, ए रीडर रोट टू अस वंडरिंग वेदर डिस्कशंस ऑन टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द न्यूज़ इकोलॉजी आर ए डैश डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम ए फेलिंग ऑफ द न्यूज़ मीडिया।
मतलब कुछ भी हो, मतलब ऊपर कुछ भी गिवन है, नीचे देखिए क्या गिवन है, एक डिफ्लेक्ट अटेंशन, मतलब अटेंशन डिफ्लेक्ट करना चाहते थे वो, ठीक है। यानी कि अटेंशन डिफ्लेक्ट किस वजह से होगी, मतलब कोई और मुद्दा उठा देंगे या फिर कोई और चीज़ हो जाएगी उसी की वजह से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई अटेंशन डिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर कोई प्रोटेस्ट की वजह से, या फिर कोई प्रमोशन की वजह से, या फिर कोई प्लॉय की वजह से। प्लॉय होता है कनिंग प्लान, मतलब एक चतुराई वाला प्लान, मतलब ऐसा प्लान बनाओ ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान ना दें, बाकी किसी और की तरफ अटेंशन उनकी डिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में केवल अपना ऑप्शन डी ही सेट जाएगा अपना, क्योंकि एक प्लॉय यानी कोई एक सीक्रेट प्लान या फिर एक कनिक प्लान, एक चतुराई वाला प्लान, उसकी वजह से लोगों की अटेंशन डिफ्लेक्ट हो सके, तो वो ही वो यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डैश कैन अराइज आउट, अराइज आउट होता है मतलब किसी से कोई चीज़ उत्पन्न होना, ठीक है, किसी से कोई चीज़ निकल के सामने बाहर आना, कोई सिचुएशन होना किसी और वजह से, उसको कहते हैं अराइज आउट। ऑफ ऑफ मार्केट ट्रेड्स और मार्केट ट्रेड्स, ये ऑफ मार्केट ट्रेड्स क्या होता है, ये ऑफ मार्केट ट्रेड्स वो होता है, मान लो कि दो कंपनियां अपनी, दो कंपनियां हैं, जो मान लो कि जो पहली कंपनी और सेकंड कंपनी है, इस कंपनी को, पहले वाली कंपनी को सेकंड वाली कंपनी खरीद ले, यानी इसके जो पहले वाली कंपनी के सारे शेयर सेकंड वाली कंपनी के अंदर चले जाएँ, या फिर वो खरीद ले सेकंड वाली कंपनी, तो उसको कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रेड्स, ठीक है। उसका मतलब होता है कि वे ऑफ ट्रांसफरिंग, शेयर्स, ठीक है, टू ए सेकेंड कंपनी, टू ए सेकेंड कंपनी या फिर टू ए सेकेंड पार्टी, ठीक है। तो मतलब अगर शेयर्स पहली कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमें बताना है कि उस सिचुएशन से क्या चीज़ अराइज आउट होगी। पहला होगा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है वो पंजीकरण, या फिर अल्ट्रेशंस यानी कोई चीज़ चेंज होगी, परिवर्तन होगा, या फिर ट्रिपिडेशन या फिर घबराहट होगी कोई, या फिर ट्रांसफ़र्स होंगे, मतलब जो ट्रांसफ़र होते हैं ना कैंडिडेट्स के, वो होंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना जो ट्रांसफ़र होते हैं ना कैंडिडेट्स के, वही होते हैं ऑफ ट्रेड मार्केट्स के अंदर, ऑफ मार्केट ट्रेड्स के अंदर। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन बी जाएगा, अगर हम ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनाएंगे तो अपना ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसफ़र्स। बाकी सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है इस पूरी लाइन से। चलिए अगला देखते हैं। बाई 2009 लेस देन हाफ ऑफ द पैसेंजर कार प्रोडक्शन बाय द लार्जेस्ट सिक्स जैपनीज प्रोड्यूसर डैश इन जापान, मतलब 2009 तक है ना, हाफ से ज़्यादा, लेस देन हाफ मतलब हाफ से कम, मतलब 50% से कम ऑफ द पैसेंजर कार की प्रोडक्शन है ना, बाय द लार्जेस्ट सिक्स जैपनीज प्रोड्यूसर, जो सबसे बड़ी छः जैपनीज प्रोड्यूसर कंपनी है ना, वो क्या करेंगी। प्रोडक्शन यहाँ पे अपना मेन सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन अपना यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे एक वर्ब लगानी है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट अगर अपना प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन अपना है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यानी सिंगुलर वर्ब ही लगेगी अपनी, तो वर वाला गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हैड बिन ऑपरेटेड, हैड बिन ऑपरेटेड क्यों होगा, ये कोई पास्ट में थोड़ी ना, अपना पैसिव वॉइस में थोड़ी नहीं है सेंटेंस अपना, तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो वाज अंडरटेकन, ठीक है, वाज अंडरटेकन, ये क्वेश्चन अपना इडियम फ्रेजेस का देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी कि एक टी कप के अंदर स्टॉर्म, तो उसके अंदर जो अपना होता है वो होता है कि कोई भी छोटी सी बात हो उसको बहुत बड़ी बात बना देना, तो यानी कि कमोशन, कमोशन होता है कोई लड़ाई झगड़ा, ठीक है। ओवर ए ट्राइवियल, ट्राइवियल होता है तुच्छ, यानी कि नेग्लिजिबल मैटर के ऊपर किसी बात का उसको बढ़ा चढ़ाकर लड़ाई करना, तो उस चीज़ को कहते हैं हम ए स्टॉर्म इन ए टी कप, तो कॉमोशन ओवर ए ट्रिवियल मैटर, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, यह है सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि किसी के खिलाफ अपना फेस अगेंस्ट करना, तो ये होता है किसी को अपोज करना, ठीक है, किसी को अपोज करना, ठीक है, किसी का विरोध करना, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, यह है करिंग फेवर्स विद, तो करिंग फेवर्स विद ऑप्शन देखें, प्लीजिंग, फेवरिंग, ओबलाइजिंग और इनग्रेटिंग, ये चारों ही कहीं ना कहीं आपस में सिनोनियम्स हैं, ठीक है। लेकिन जो करिंग फेवर विद है, इसका रियल मतलब जो देखा जाता है वो क्या होता है,
कि किसी को अपने पक्ष में कर लेना, मतलब कोई बंदा है उसकी चापलूसी करके उस बंदे को अपने पक्ष में कर लेना, उस चीज़ को कहते हैं हम करिंग फेवर विद, और वो चीज़ है अपनी ऑप्शन डी के अंदर, इनग्रेटिंग इटसेल्फ विद, यानी इसका मतलब होता है कि अपने पक्ष में कर लेना, ठीक है, अपने पक्ष में कर लेना किसी बंदे को बाय फ्लैटरिंग, चापलूसी करके किसी को अपने पक्ष में कर लेना, तो उस चीज़ को कहते हैं हम करिंग फेवर विद, ठीक है। तो ऑप्शन डी इन चारों के अंदर से बिल्कुल सही रहेगा, तो ऑप्शन डी अपना सही होगा। ये है अपना करेक्ट स्पेलिंग का, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो अपना पहला वर्ड है जेनिटर, जेनिटर की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, वो होगी JANITOR, जेनिटर। तो जेनिटर की का मतलब है अपना केयर टेकर ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का देखभाल करने वाला, बिल्डिंग की देखभाल करने वाला उसको कहते हैं जेनिटर। और ऑर्डिनरली गलत है इसका, होगा ऑर्डिनरली, RILY, यानी कोई नॉर्मल चीज़ होती है, नॉर्मली, जो नॉर्मली होता है उस चीज़ को कहते हैं हम। इनसोबरिएटी, इनसोबरिएटी का मतलब होता है कि इंटॉक्सिकेशन में होना, इंटॉक्सिकेशन में होना, यानी कि दारू पिए होना, ड्रंक होना, ड्रंकनेस उसको कहते हैं। और जो ये स्पेलिंग है अपनी इनसोबरिएटी, ये बिल्कुल सही है, और हमें करेक्ट स्पेलिंग ही बतानी थी। और लास्ट वाली है अपनी साइकोमेट्रिक, इसकी स्पेलिंग रहेगी अपनी साइकोमेट्रिक। इसका क्या मतलब होता है, ये होता है कोई टेस्ट होता है किसी की पर्सनैलिटी को शो करने के लिए, तो कोई एक टेस्ट होता है, टेस्ट टू शो समवंस पर्सनैलिटी, या फिर किसी के मेंटल स्टेट को दिखाने के लिए कि वो कैसा सोचता है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम साइकोमेट्रिक। तो इसके अंदर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन सी के अंदर। अगला देखते हैं, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है। इसमें क्या कह रहा है, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हमें पता डेट के अंदर चेंज होगा, ये चारों के अंदर है अपना। और आई, जैसे हमने पहले भी देखा था, SON 1 2 3 के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पहली वीडियोज़ में हमने किया भी था ये। तो इसके अंदर जो आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो है शी, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शी आएगा। और यहाँ पे है विल, विल चेंज होगा वुड के अंदर, तो बी एंड सी ऑप्शन गलत हो गए अपने, क्योंकि इसमें वुड नहीं है। और लास्ट में देखिए टुमोरो, तो टुमोरो किसी में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे, टुमोरो चेंज होता है द नेक्स्ट डे के अंदर, टुमोरो का टुमोरो नहीं रहता है, तो ऑप्शन ए भी अपना गलत है, तो ऑप्शन डी ही बसता अपना सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या कह रहा है, ए रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड ए ब्रूज, मतलब कोई जैसे चोट वगैरह लग जाती है उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो अपना पहला ऑप्शन है पस्टल, पस्टल का मतलब होता है कोई पिंपल, जैसे चेहरे पे पिंपल हो जाता है उस चीज़ को कहते हैं हम। कनल, कनल का मतलब कोई स्वेलिंग होना कहीं पर, सूजन वगैरह हो जाना उसको कहते हैं। और कॉन्ट्यूशन होता है कोई एक घाव, ठीक है, कोई लग जाती है उस चीज़ को कहते हैं हम घाव, कॉन्ट्यूशन। और ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है कोई, जैसे रसौली कह सकते हैं हम इसको, कोई गांठ वगैरह होती है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उस चीज़ को हम ट्यूमर कहते हैं। तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपना ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, यह एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब किसी फॉर्म, जैसे ये मैंने बना दिया है बॉक्स, तो इसके जो चारों तरफ जो ये बाउंड्री है इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉन्ट्योर लाइन्स, कॉन्ट्योर लाइन्स इसको कहते हैं हम, ठीक है। और तो इसके अंदर आंसर होगा ऑप्शन बी। और पहला है जो ट्रेसरी, ट्रेसरी होता है जब पत्थर के ऊपर कोई नक्काशी करते हैं, हम पत्थर के ऊपर कोई फोटो बनाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेसरी। ऑप्शन सी है डूडल, डूडल होता है कोई रफ ड्राइंग, कोई रफ ड्राइंग होती है उसको कहते हैं डूडल। और पैटर्न होता है कोई सैंपल या फिर कोई डिज़ाइन, कोई सैंपल या फिर कोई डिज़ाइन उसको कहते हैं हम पैटर्न।
तो इसके अंदर आंसर रहेगा ऑप्शन अपना बी। अगला देखते हैं, ए पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको ब्लेम किया जाता है गलत काम के लिए जो किसी और ने किया हो, ठीक है, मतलब इस बंदे ने गलत काम किया हो लेकिन इस बंदे को सजा मिल जाए सेकंड पर्सन को, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं स्केप गोट, यानी कि बलि का बकरा जिसको हम कहते हैं स्केप गोट, या फिर हम फॉल गाय भी इसको हम कह सकते हैं, इसका ही सिनोनियम है। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बचता है ए, यह बर्सर, बर्सर का मतलब होता है जो इंचार्ज ऑफ फंड्स का, बर्सर को कहते हैं हम इंचार्ज ऑफ फंड्स, ठीक है, इंचार्ज ऑफ फंड्स, या फिर पैसे का जो इंचार्ज होता है किसी कॉलेज के अंदर उसको कहते हैं हम। बी है कैप्टर, कैप्टर जो किसी को पकड़ता हो जैसे कोई जेलर होता है उसको कहते हैं, और सी ऑप्शन है फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक होता है अपना कि पर्सन जो एक्साइट या इमोशनल ना हो, पर्सन जो एक्साइट या फिर इमोशनल ना हो उसको कहते हैं फ्लैगमेटिक। तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपना ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ये है अपना पी क्यू आर एस, इसके अंदर क्या है, पहला है बट द सिनेरियो, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए बट यूज किया गया है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि बट से पहले कोई ना कोई एक सेंटेंस था और उसका कॉन्ट्राडिक्शन इस लाइन के अंदर दिखाया गया है, यानी कि अपना पहला सेंटेंस पी नहीं हो सकता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इन द लास्ट 10 ईयर्स बजट टू आर द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज हायर वेन कंपेयर टू अदर्स, ये अपना सेंटेंस बन सकता है लेकिन इसको होल्ड पर रखते हैं। अगला देखते हैं, इंडिया अर्लियर डेज, ये भी अपना स्टार्टिंग सेंटेंस बन सकता है। और लास्ट देखिए, दिस इज बिकॉज, दिस क्या, मतलब कोई पहले बात की गई थी और उसी के बारे में बताया कि दिस इज बिकॉज, तो इससे पहले कोई ना कोई बात थी जिसके लिए दिस का यूज किया गया है, तो यहाँ पे एस वाला भी सेंटेंस अपना फर्स्ट नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो चुके हैं ए एंड बी, तो अब ऑप्शन बचते हैं अपने केवल सी एंड डी। तो हम या तो क्यू पहले आएगा या फिर आएगा आर, ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर, हम आर को पढ़ते हैं पहले, इंडिया अर्लियर डेज गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेस इम्पोर्टेंस टू द अदर डिपार्टमेंट, ये कह रहा है कि इंडिया ना पहले वाले दिनों के अंदर, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस किसको देता था, इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस देता था और लेस इम्पोर्टेंस देता था किसी और डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। और अब देखिए, बट द स्नेरियो, यानी आर के बाद इसमें पी यूज किया गया है, तो बट द स्नेरियो हैज चेंज्ड, यानी कि अब ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि अब स्नेरियो ना वो चेंज हो चुका है नाउ ए डेज बाय एलोकेटिंग स्पेशल बजट टू फंड्स फॉर सिक्योरिटी, कि पहले इंडस्ट्री को देते थे लेकिन अब स्नेरियो चेंज हो चुका है, अब जो बजट है वो सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। तो यानी आर के बाद पी बिल्कुल सही जाएगा अपना, आर के बाद पी बिल्कुल सही जाएगा, तो आर के बाद अपने सी ऑप्शन के अंदर पी नहीं है क्योंकि आर को ही लास्ट सेंटेंस बना दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर अपना, ठीक है, तो इसके अंदर आंसर जाएगा अपना ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, यह है इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना अपने को, इलनेस इंजरी फूड पॉइजनिंग ग्रीफ, यानी कि अब कुछ प्रॉब्लम्स शो की गई हैं, एनी ऑफ दीज थिंग्स, मतलब कि जो दीज थिंग्स है यानी ये चारों जो चीज़ें हैं, कैन प्रोस्ट्रेट पीपल और लाइंग डाउन इन ए हेल्पलेस पोजिशन, मतलब जो ये चीज़ें हैं ना वो आदमी क्या कर सकती हैं। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है अपना, ठीक है, बॉडी के अंदर ग्लैंड होता है वो प्रोस्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे है और लाइंग डाउन, मतलब किसी को नीचे लेटा देता है इन हेल्पलेस पोजिशन ताकि वो अपने आप की मदद ना कर सके, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम, पहला प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट होता है लंबा लेट जाना, या फिर इसका एक मतलब हो रहा है टू मेक हेल्पलेस, ठीक है, मतलब खुद की हेल्प ना कर पाना, उसको कहते हैं टू मेक हेल्पलेस प्रोस्ट्रेट। और प्रोस्पेक्ट होता है कोई होप या फिर कोई पॉसिबिलिटी, कोई होप या पॉसिबिलिटी। और प्रोसिक्यूट होता है किसी के ऊपर केस लाना कोर्ट वगैरह में, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट। तो चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें कह रहा है कि लाइंग डाउन इन ए हेल्पलेस पोजिशन, कि हेल्पलेस पोजिशन में वो लेट जाता है आदमी अगर इसको कोई इलनेस इंजरी या फिर फूड पॉइजनिंग या फिर कोई दुख होता है, तो इसके अंदर लेटने वाला या फिर हेल्पलेस बन जाने वाला वो है ऑप्शन अपना केवल ऑप्शन ए, ठीक है। तो
ऑप्शन ए इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही जाएगा अपना, तो आंसर जाएगा अपना ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, इवन आफ्टर बीइंग सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन, कि इवन आफ्टर मतलब कोई चीज़ होने के बाद भी, कि उसको सेंटेंस टू लाइफ मतलब उसको सज़ा दे दी है कि जिंदगी भर वो प्रिजन में रहेगा, जिंदगी भर वो जेल में रहेगा, जो आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, द इम्पेनिटेंट मैन। यहाँ पे देखिए द एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद एक नाउन आना ज़रूरी है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। वॉज नॉट सॉरी फॉर हिज क्राइम्स, मतलब ये कह रहा है कि उस जो कोई बंदा है द मैन है, वो उसको एक सज़ा मिल चुकी है कि वो सारी ज़िंदगी जेल में काटेगा, लेकिन फिर भी उसको अपने क्राइम्स के लिए सॉरी फील नहीं कर रहा है वो, यानी कि पछतावा नहीं है उस चीज़, मतलब वो क्वालिटी है उस आदमी की। तो जो इम्पेनिटेंट होता है वो होता है रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल, या फिर जिसको कोई पछतावा ना हो उसको कहते हैं हम इम्पेनिटेंट। तो जो अपना ये सेंटेंस है या फिर जो अपना ये वर्ड है ये बिल्कुल सही है, तो इसके अंदर अपना नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं अगले। ये है कॉम्पंक्शंस, इसका मतलब होता है जो रिग्रेटफुल हो, जिसको पछतावा हो, पर इसके अंदर उस बंदे को कोई पछतावा नहीं है, वाज नॉट सॉरी इसने लिखा हुआ है। बी है कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब ये होता है जिसको पछतावा हो, रिग्रेटफुल। और इंसुलर, इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड, कि जो छोटी सोच का व्यक्ति हो उसको कहते हैं हम इंसुलर या फिर नैरो माइंडेड। तो चार ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी यानी जो इम्पेनिटेंट है वो बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है हायर क्रूड ऑयल प्राइजेज हैव डाउटलेसली प्रोवाइडेड ए सिग्निफिकेंट फिक्शल बूस्ट, मतलब जो क्रूड ऑयल है ना उसके हायर प्राइसेस ने निसंदेही प्रोवाइड किया एक सिग्निफिकेंट फिस्कल बूस्ट, यानी कि जो पैसे की जो बूस्ट है, फिस्कल जो बूस्ट है उसको इंक्रीज किया है, बूस्ट यानी ऊपर लेके गया है इन द पास्ट सेवरल मंथ, जो बीते हुए कुछ महीने थे। ऑल्दो, हालांकि एनी डैश गोइंग फॉरवर्ड, यानी अगर कोई और ऊपर जाता है यानी कोई और चीज़ जाती है आगे जाती है, कैन लीड टू ए प्राइस स्पायरल को लीड करेगी, डैट वुड हैव अदर अनटुवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। अनटुवर्ड होता है अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड होता है मतलब कोई और, अगर ये चीज़ ऐसे ही फॉलो करती रही तो वो चीज़ एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी। तो यानी कि कोई और चीज़ ऊपर उठेगी, यानी पहले जितना क्रूड ऑयल अपना जो प्राइसेस थी वो उठ रही थी, अगर वो और उठ गई मतलब कोई और फर्दर, मान लो कि इतना इंक्रीज हुआ, अगर और फर्दर उठ गई ना उस लिमिट से, तो उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो उसके रिजल्ट्स होंगे। तो यहाँ पे अपना थर्ड ऑप्शन देखिए, ये है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप होता है एक अपना जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट, मतलब कोई चीज़ एकदम से ऊपर उठ जाना, सडन आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग। तो अगर प्राइजेस सडन आउटबर्स्ट हुए तो उसके अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अपने, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। बाकी फ्लेयर इन और फ्लेयर एट कुछ नहीं होता, अपना जो फ्लेयर होता है ना अपना FLAIR, फ्लेयर होता है टैलेंट, ठीक है, फ्लेयर होता है अपना टैलेंट। ठीक है चलिए अगला देखते हैं।